पौधा लगाया और वृक्ष की तरह पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विद्या भारती की अलग शिक्षा के क्षेत्र में और वो जग रही है। वहाँ भी दीपक दैदिप्यमान हो रहा है। प्रारंभ में बहुत छोटा सा रूप था विद्या भारती का, केवल शिक्षा थी, संस्कार तो थे ही साथ में, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चीजें और जुड़ी गई। पूरा देश विद्या भारती की दृष्टि से 11 क्षेत्रों में विभाजित है। अपना उत्तर प्रदेश 2 क्षेत्र में विभाजित है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 49 शासकीय जिले, 4 प्रांत हैं, 8 समितियां, ऐसे पूरे क्षेत्र में यानी 11 पूरे देश में मतलब 11 क्षेत्रों में 60 समितियां हैं, 60। और विद्यालय स्तर पर आचार निबंध प्रतियोगिता, जिसका विषय पहले से आ जाता है, टॉपिक मिल जाता है, और अपेक्षा ये रहती है कि विद्यालय का प्रत्येक आचार्य इस आचार निबंध प्रतियोगिता में बैठे, सम्मिलित हो और इस भाव से सम्मिलित हो कि मुझे ही प्रथम स्थान प्राप्त करना है। उसके लिए जो टॉपिक है उससे संबंधित जो साहित्य है उसको पढ़ना, अध्ययन करना और उस प्रतियोगिता के भाव से बैठना। अब 7 समितियों में चलने वाले जो विद्यालय हैं, 12,500 विद्यालय हैं जो औपचारिक विद्यालय हैं, वैसे तो 25,000 विद्यालयों की मान्यता है, बाकी जो है वो संस्कार केंद्र हैं, एकल शिक्षक विद्यालय हैं, इस प्रकार के हैं। देखिए 12,500-13,000 विद्यालय ऐसे हैं जो भूमि है, भवन है, मान्यता है, रजिस्ट्रेशन है, उसमें एक स्केल है, पाठ्यक्रम है, मूल्यांकन है, ये सारी व्यवस्था है। औपचारिक विद्यालय, अनौपचारिक वो जो संस्कार केंद्र पर 1 घंटे के लिए गए 2 घंटे के लिए गए। तो ऐसे 60 समितियों से के अंतर्गत चलने वाले जो विद्यालय हैं औपचारिक विद्यालय, उनके आचार्य बैठते हैं। अब कितने बैठते हैं, हमारे विद्यालय से कितने आचार्य बैठे, यदि 100% आचार्य उस दिन निबंध प्रतियोगिता में बैठे तो हम ये मान सकते हैं कि पूरे देश में 60 समितियों के अंतर्गत चलने वाले विद्यालय के अंतर्गत जो हमारे आचार्य हैं वो सभी बैठे होंगे। कहते हैं ना कि कहावत है गांव की, घर का अगर चूल्हा जल रहा है तो मान के चला जाता है कि सबके यहाँ चूल्हा जल रहा है, हमने खा लिया तो मैंने सबने खा लिया, ऐसे कहा जाता है, लेकिन आवश्यक नहीं है। हमने जो भोजन किया है तो समाज का हर व्यक्ति भोजन करके सोया होगा, या हमने जैसा खाया है मैं समाज का हर व्यक्ति खा रहा हूँ, लेकिन ये विश्वास रहता है। तो 60 समितियों में जो प्रतियोगिता होती है आचार निबंध प्रतियोगिता, वो प्रांत स्तर पर आती है। प्रांत स्तर पर एक समिति 5 आचार्यों का चयन करती है, जो बेस्ट निबंध होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं, सर्वोत्तम सर्वोच्च अंक लाने वाले होते हैं, ऐसे 5 निबंधों का चयन प्रांतीय समिति करती है और ये 5 निबंध कुरुक्षेत्र भेजे जाते हैं। ऐसे 60 समितियों से 5 मिलाकर के 300 निबंध आते हैं, 300। उस 300 निबंध में 11 का चयन होता है, उस 11 में 5 स्थान होते हैं और 6 सांत्वना होते हैं, और वो जो टीम बैठती है तो कई राउंड वो उन 300 वो छांटती है, फिर आधा लाती है, आधा लाने के बाद मंथन करती है, और फिर 30-35 में आने के बाद फिर उसमें से 11 का सिलेक्शन होता है। उस 11 में से फिर स्थान प्राप्त जो है, प्रथम स्थान, द्वितीय और तृतीय स्थान, उनका चयन होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे बातों में वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और सांत्वना आता है। राइटिंग कैसी है, हेडिंग्स कैसी है, स्टार्टिंग कैसी है, फर्स्ट इम्प्रेशन पढ़ना चाहिए वो कैसा है, उस मूल्यांकनकर्ता के ऊपर, और फिर फर्स्ट इम्प्रेशन या लास्ट इम्प्रेशन, आखिरी में भी उसको इम्प्रेशन उस व्यक्ति
के अंदर वो जो मूल्यांकन करता है जज है उस पर ये रहना चाहिए। और फिर वो जो टॉपिक है उसकी जो विषय वस्तु है उस पर, तो मैंने कई राउंड में ऐसा करके फिर ये स्थान निकलता है। ये सौभाग्य की बात है, विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 49 शासकीय जिलों में चलने वाले 1100 विद्यालय, उस 1100 विद्यालय में ये जो विद्यालय है उसने हमारे श्रीमान अशोक जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में भारतीय शिक्षा समिति बना, बाकी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों का स्थान आया है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में अशोक जी एक में वो ऐसे ब्रह्म है ज्ञाता है जिनका ये निबंध और वहाँ पर सांत्वना के स्थान पर स्वीकृत किया गया, जिसका हम सब आप मिलकर के उनको सम्मानित किए हैं। ये क्षेत्र में अकेले हैं तो बहुत बड़ी बात है, ये भारतीय शिक्षा समिति गर्व करती है ऐसे आचार्य। पिछली बार आपका प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था 5000 रुपये, राशि का कोई विषय नहीं है, इसकी 1100 रुपये राशि का कोई विषय नहीं, विषय है सम्मान। अभी हम प्रधानाचार्यों की बैठक करने वाले हैं, तो प्रयास हम करेंगे कि बारामती अयोध्या जी और अम्बेडकर नगर एक स्थान पर करें, उन सभी प्रधानाचार्यों के बीच में जो इधर तीन हमारे जिले हैं उसमें श्रीमान अशोक जी को बुलाएंगे और उन प्रधानाचार्यों के बीच में भी श्रीमान अशोक जी को हम सम्मान करेंगे। सम्मान मिलना ये बड़ा गर्व का विषय रहता है, गौरव का विषय रहता है, स्वाभिमान का विषय रहता है। लेकिन मित्रों एक प्रश्न भी मेरे मन में आता है, अशोक जी ही आ रहे हैं आपको नहीं, और फिर बात ध्यान में आती है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उस चौपाई को मैं आधे को लेता हूं आधे को मैं निकाल देता हूं अपने साहित्य से, वो उन्नत हो हमें का आदमी इतना ही मैं लेता हूं, और कई जगह इसको बोलता भी हूं आगे की नहीं बोलता हूं, आगे के मेरे लिए आगे के जो शब्द गोस्वामी जी ने लिख दिए हैं वो मेरे लिए बेकार हैं, लेकिन ये जो प्रारंभ के शब्द हैं वो उन्होंने कहो हमें कहा ये भाव लिखिए, हम जो चाहेंगे वो होगा इन शब्दों में दम है, हम आएंगे क्यों नहीं, हम आएंगे, अशोक जी तो आएंगे आएंगे लेकिन मैं भी आऊंगा। कहीं ना कहीं लगता है ठीक है कर लेना है, जैसे होगा वैसे, कोई नहीं जिसको आना है क्या फर्क पड़ता है, 1100 रुपया में क्या होता है, अरे 1100 रुपया हमारे बच्चा चॉकलेट खा जाता है, बिल्कुल खाता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, महीने भर में खाता होगा 1100 का 5000 का, मूल उन नोटों का नहीं लेने को, मूल है कि ये सूची जब मैंने देखी और चश्मा लगा करके देखा टिक किया मैंने, हमको वाह पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल एक काम, क्योंकि बाकी पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई नाम हैं अन्य प्रांतों के भी, लेकिन ऐसे जो प्रांत हैं ऐसे जो क्षेत्र हैं उनका किसी का कोई स्थान नहीं है, उसमें कुल 11 ही स्थान आ रहा है, मुझे लगता है 3 या 4 तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के। तो कुल मिलाकर के मित्रों ये इस प्रकार की जो प्रतियोगिता है, हम आचार्य हैं, हम शिक्षक हैं, हम भारत का निर्माण करने वाले हैं, हम भारत का निर्माण कर रहे हैं तो फिर मेरा निर्माण भी तो होना चाहिए, कोई बात नहीं। 2021-20 में परीक्षा हुई थी, प्रतियोगिता हुई थी, 21 में फिर होगी, हम अभी से तैयारी करें। और ये अशोक जी ने जो स्थान बनाया है इस विद्यालय का, वो अशोक जी स्थान लाए चाहे आप लोग लाए, दोनों लोग मिलकर के लाए, तीन लोग मिलकर के लाए, ये तो कहना कठिन है कि सारे 11 पुरस्कार तो बाकी लोगों को मिले, लेकिन ये लक्ष्य हमारा होना चाहिए। कई बार मेरे मन में बहुत सारी बातें आती है, अरे कुछ उनके भी तो ऐसे मित्रों, मैंने शून्य से अपना जीवन विद्या भारती को प्रारंभ किया, 2-3 सरकारी सेवाएं छोड़ दी, ऐसे जैसे हमारे मंडल जिला के प्रारंभ बैठे ऐसे प्रचारक के चक्कर में पड़ गए, कानपुर मानी राम फल जी के चक्कर में पड़ गए, बोले छोड़ो यार कहाँ तुम चक्कर में पड़े हो, चलो मेरे साथ में चलो, लेकिन आज हमको लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छा किया,
अगर मैं सरकारी सेवा में होता तो कितने प्रकार के जो दुर्गुण होते हैं वो सब आते हैं। और ये संघ की देन है, भगवान की कृपा से कि